अस्सलाम वालेकुम। ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी। क्रेनियल नर्व्स हमने अभी इंट्रोडक्शन के लेक्चर से छोड़ा था, सो स्टार्ट हम करते हैं जी फर्स्ट क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल नर्व वन, दैट इज ओल्फैक्टरी नर्व। ओके, ओल्फैक्टरी नर्व हमने जैसे कि कहा था कि सेंसरी नर्व है, स्पेशल सेंसरी फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट हमने इसका ओरिजिन पढ़ना है एंड देन इसका पाथवे पढ़ना है। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है। और उन सेल्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल नेजल कैविटी का सेल है, इसके अंदर हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, डेटर कार्डस ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। इन ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पे जैसे ही वो सेंसेस अप्लाई होती हैं हमारे पास, स्मेल की सेंस या कोई भी हमारे पास, तो यहाँ पे ओल्फैक्टरी सेल से डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं। सो एक उसका जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है और एक पेरिफेरल पार्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पे जो है हमारे पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। और स्कैटर्ड होने के बाद उनके डिफरेंट प्रोसेसेस निकलते हैं। एक उनका प्रोसेस जो है नर्व का, वो हमारे पास पेरिफेरल प्रोसेस होता है जो कि रिसेप्टर की तरफ अटैच होता है, और सेंटर में इसकी सेल बॉडी होती है, ठीक है। और एक उसका सेंट्रल पार्ट होता है जो कि सीएनएस की तरफ जाता है, ठीक है। सो ये रिसेप्टर है, अगर आप देखो ओल्फैक्टरी, ये रिसेप्टर है, ये हमारे पास डेट इज अ नर्व, जो कि हमारे पास इसके दो प्रोसेस हैं, एक पेरिफेरल प्रोसेस है और एक सेंट्रल प्रोसेस है, ठीक है। ये दो प्रोसेसेस इससे निकल रहे होते हैं, ठीक है। जो इसका सेंट्रल प्रोसेस है वो यहाँ से पास करता है, देन ये पास कर जाता है जी क्रिबरीफॉर्म प्लेट से। क्रिबरीफॉर्म प्लेट, आपने स्कल का जब स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने इंटीरियर पे भी पढ़ी होगी क्रिबरीफॉर्म प्लेट, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो उन पोर्स से ये जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स है यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ये अनमाइलिनेटेड फाइबर यहाँ से क्रॉस करते हैं, ये हमारे पास जो होता है क्रिबरीफॉर्म प्लेट, यहाँ से क्रॉस करके ये अनमाइलिनेटेड फाइबर बना देते हैं जी ओल्फैक्टरी नर्व। सो पीछे वाला जो पार्ट है ये जस्ट फाइबर्स हैं, जो फाइबर्स अनमाइलिनेटेड होते हैं, क्रिबरीफॉर्म प्लेट क्रॉस करके यहाँ पे जाके ये बना लेते हैं जी ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। जैसे ही ओल्फैक्टरी नर्व बनाई, उसके बाद ये जनाब जी अटैच हो जाते हैं एंड एंटर हो जाते हैं जी ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। ये ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर अटैच हो गए, हम इसकी एक क्लियर पिक्चर भी आगे देखते हैं। सो ओल्फैक्टरी बल्ब में अटैच होने के बाद यहाँ से आगे दो तरह के फाइबर्स निकलते हैं। ओल्फैक्टरी नर्व के जो फाइबर्स हैं ये आगे जाके दो तरह के फाइबर्स बनाते हैं। ये जो फाइबर्स निकलते हैं ये जाके एक तो हमारे पास ये अटैच होते हैं जी गैंग्लियोनिक सेल से, पहले वहां पे सिनेप्स करते हैं, और वहां से ये जाके हमारे पास सिनेप्स करते हैं टफ्टेड सेल्स से और माइट्रल सेल्स के साथ। वो कैसे करते हैं वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर के अंदर। अभी हम वही चीज देख ये देखें जी, हम ओल्फैक्टरी बल्ब तक आ गए, ओल्फैक्टरी बल्ब से ये हमारे पास फाइबर्स निकले और इन्होंने सिनेप्स कर लिया ओल्फैक्टरी बल्ब के ग्लोमेरुलाई के अंदर। यहाँ पे सिनेप्स करके यहाँ से आगे ये टफ्टेड सेल और माइट्रल सेल के अंदर जाके देखिए ये सिनेप्स कर रहे हैं उनके साथ, ये माइट्रल सेल्स हैं, ऐसे यहाँ पे टफ्टेड सेल्स होते हैं उनके साथ जाके ये हमारे पास सिनेप्स करते हैं, और इस तरह आगे जाके ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन जो है वो देते हैं, ठीक है। सो इस तरह से इन्होंने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दे दी। सो अगर पाथवे देखें, स्टार्टेड फ्रॉम द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर से जो हमारे पास है सेंट्रल फाइबर्स के अनमाइलिनेटेड क्रिबरीफॉर्म प्लेट से उन्होंने क्रॉस किया, क्रिबरीफॉर्म प्लेट से क्रॉस करके हमारे पास उन्होंने ओल्फैक्टरी नर्व बनाई जो कि हमारे पास ओल्फैक्टरी बल्ब के अंदर की, ओल्फैक्टरी बल्ब से उन्होंने सिनेप्स किया, आगे जाके माइट्रल सेल और टफ्टेड सेल से वहां पे उन्होंने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दे दी। अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है यहाँ से देखो, ओल्फैक्टरी बल्ब से एक्सॉन एंटर हुए ओल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई के अंदर, और वहां से उन्होंने सिनेप्स किया डेंड्राइट ऑफ द माइट्रल सेल एंड द टफ्टेड सेल के अंदर ओल्फैक्टरी बल्ब में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे पास यहाँ से ये सारे के सारे जो फाइबर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन दी, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जैसे ही निकलती है आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है दोनों तरफ, एक इसका होता जी मिडियल पार्ट और एक होता है इसका जी लेटरल पार्ट, ठीक है। जो तो इसका है ना मिडियल पार्ट, लाइक ये हमारे पास आ गया जी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे आ गई, एक इसका मिडियल पार्ट एक इसका लेटरल पार्ट, इसी तरह इस तरफ लेफ्ट साइड पे एक इसका मिडियल पार्ट एक इसका लेटरल पार्ट, ठीक है। जो इसका मिडियल पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट मिडियल पार्ट वापिस जाएगा और दोबारा जाकर ओल्फैक्टरी बल्ब के साथ साइनैप करेगा इसके ऑपोजिट साइड पे जाके, और जो लेफ्ट साइड का मिडियल पार्ट होगा ये राइट साइड पे जाके स्ट्राया, इसको मीडियल एंड लेटरल स्ट्राया भी कहते हैं, ये इसके लेफ्ट वाली साइड पे जाके जो हमारे पास है ओल्फैक्टरी बल्ब वहां पे सिनेप्स करेगा, जबकि जो इसका लेटरल स्ट्राया होगा, लेटरल स्ट्राया जाएगा अपर पार्ट पे और यहाँ जाके कोर्टेक्स में सिनेप्स करेगा, कोर्टेक्स के अंदर सिनेप्स कर देगा, जहां पे स्मेल पार्ट का ओल्फैक्टरी कोर्टेक्स जो होगा वहां पे जाके ये सिनेप्स कर देगा।
इसके दरमियान में वो कहता है एक इंटरमीडिएट स्ट्राया भी होता है विच इज नॉट मच प्रोमिनेंट, बट जो इंटरमीडिएट स्ट्राया वो ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल और उसके लिम्बिक सिस्टम के पार्ट के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसको समराइज करें, समराइज इस तरह करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारे पास अगर इसके पाथवे को, सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से हमारे पास जो है वो फाइबर्स निकलते हैं, पियर्स करते हैं क्रिबरीफॉर्म प्लेट से, फिर वो ऑल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व ऐड कर लीजिएगा, ऑल्फैक्टरी नर्व ऑल्फैक्टरी बल्ब में आती है, फिर ग्लोमेरुला में एंटर होती है, फिर टफ्टेड और माइटर सेल के साथ जाके साइनैप्स करते हैं, उससे आगे दो स्ट्राया बनते हैं मिडल एंड लेटरल स्ट्राया दोनों साइडों पे, मिडल स्ट्राया जो ऑपोजिट साइड पे जाके हमारे पास इंटीरियर कॉमिशोर से क्रॉस करके वो हमारे पास साइनैप्स कर लेता है ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर, जबकि लेटरल स्ट्राया जो है वो कॉर्टेक्स में चला जाता है और जो इंटरमीडिएट स्ट्राया वो ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकुलर में चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।